तो दोस्तों आज ऑर्डर करा हमने आईस्टिक प्रो, तो उसकी हम करेंगे ओपनिंग, देखेंगे इसमें क्या क्या है इसकी फंक्शनलिटी के बारे में। इसको फटाफट से हम ओपन करते हैं। दोस्तों इसके अंदर जो चिपचाट आया है वो अपग्रेडेबल आया हुआ है, इसका जो फर्मवेयर है वो काफ़ी अपग्रेड होकर आया हुआ है, तो उसके अंदर आपको स्मोक काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा। जैसे आप बॉक्स को ओपन करेंगे आपको ये दो पीस देखने को मिल जाते हैं, इसके अंदर की आपको ये ई लीफ का न्यूबलाइजर मिलेगा, साथ में जैसे कि इसके बॉक्स पर दिखाया गया है यू कैन सी, इसमें एक आई आई स्टिक पिको विथ सेल, सेल इसका अलग से मिलेगा दोस्तों, एक एक्स बेलो 3 मिनी एटोमाइजर, और इसके साथ में एक 3.0 का उसमें हेड है और एक 0.5 का हेड और 4x सील रिंग है। तो उसको एक बार हम चेक करेंगे कि कितना स्मोक है कितना नहीं है, उसको पहले हम बाहर निकाल लेते हैं और देखते हैं बॉक्स में और क्या क्या है। तो इसके साथ आपने आपको देखने को मिल जाती है एक वायर चार्जिंग, जो कि चार्जिंग के काम में आएगी, जिसका चार्जिंग पोर्ट आपको इसमें यहाँ साइड में देखने को मिल जाता है, तो यहाँ से वायर से चार्ज हो जाएगा इसकी बैटरी। साथ में इसका एक बुकलेट मिल जाएगी आपको ईलीफ, इसमें इसके बारे में बताया गया है लाइक कैसे उसको बनाना है कैसे नहीं बनाना है कैसे काम करता है, कैसे बैटरी कैप के बारे में दिखाया गया। तो चलिए इसको फटाफट से हम इसमें, और दोस्तों उसके साथ में फ्लेवर का अलग से ऑप्शन था तो मैंने इसमें फ्लेवर भी ऐड कर लिया था, तो देखेंगे मैंने यहाँ पर सिस्टम डबल एप्पल मंगवाया है तो देखेंगे इसमें स्मोक कैसा है, उसका फ्लेवर के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों कुछ आपको ऐसा कुछ देखने को मिल जाएगा इसमें, इसमें है कुछ नहीं, इसकी जो सैलरी अलग से आता है जस्ट बिकॉज की लॉजिस्टिक में उसको भेज नहीं सकते हम, तो आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ से इसको ओपन करना है, पहले बता देता हूँ कैसे क्या है। ये सामने बटन है, यहाँ इसकी एलईडी डिस्प्ले, यहाँ पर आपको सेल का पॉइंट देखने को मिल जाता है, यहाँ पर इसका ये लगेगा न्यूबलाइजर, जिससे कि आप स्मोक खींचोगे, और नीचे दो बटन दिए गए हैं जिससे कि आप इसका वोल्टेज को वोल्टेज को कम और ज़्यादा कर सकते हैं प्लस और माइनस, तो अभी हम आपको बताऊंगा, पहले हम इसमें सेल डालेंगे दोस्तों। तो इसको आपको ऐसे खोल लेना है, तो इसकी जो इसमें देखो दोस्तों इसमें दो आपको सेल में दो साइड दिख रही होंगी, एक में आपको डिज़ाइन दिख रहा है एक में प्लेन साइड है, तो आपको जो डिज़ाइन वाली साइड है इसमें नीचे की साइड जाएगी, तो जैसे आप इसको इसमें लगाओगे, अब जैसे इसको बटन को प्रेस करोगे देखोगे इसमें एलईडी लाइट जल चुकी है, तो कुछ नहीं करना है, एक बार इसको टाइट की इसको इसके अंदर कस देना है, जैसे आप इसको कस दोगे देखोगे आपको उसको यहाँ पर इसका वोल्टेज देखने को मिल जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था नीचे दो बटन दिए गए हैं, यहाँ से आप इसके वोल्टेज को कम ज़्यादा कर सकते हो, तो उसे कम ज़्यादा होने से क्या होगा कि आपको उतना ही ज़्यादा स्मोक मिलेगा उतना ही जल्दी आपका फ्लेवर जलेगा। तो ये बैटरी जैसे कि आप देख पा रहे हो उसमें बैटरी दिखा रहा है, तो अभी मैं इसमें 75 तक जाता है दोस्तों मैक्सिमम, तो हम इसको भी 60 और 50 के आसपास रखेंगे, 55 करके रखते हैं। अब आते हैं इसके हम इस पर जिसको हुक क्या बोला जाता है चिमनी, इसमें आपको क्या करना है नीचे वाली साइड इसको आपको ओपन कर देना है, आप जैसे इसको खोलेंगे तो आपको इसके अंदर देखोगे आपको कॉटन बॉल देखने को मिल जाता है, तो आपको करना क्या है कि आप इसमें ना आपको छोटे छोटे ये होल्स दिखेंगे, आपको इसके अंदर फ्लेवर डालना है, तो अभी मैं वैसे ऑलरेडी इसमें फ्लेवर डाल चुका हूँ, करना कुछ नहीं आपको उसके अंदर डालना है जिससे कि थोड़ी ये गीली हो जाएगी, तो उससे क्या है कि ना आपकी ये कॉटन जलेगी नहीं, क्योंकि इसको हल्का सा इसको लूज करना पड़ा, देखेंगे कि हमने ऑलरेडी इसमें डाल रखा है, तो उसके बाद आपको इसको इसमें लगा देना है वापसी, एक बार ये डालने के बाद आपको दोबारा डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक बार इसकी कॉटन गीली हो जाएगी जिससे कि जलने का डर नहीं होगा, इसको आपको कस देना है, और उसके बाद आप इसको यहाँ से ओपन करके थोड़ा फ्लेवर आप यहाँ से डाल सकते हैं इस साइड में, इसके अंदर आप दोस्तों हम इसको इसमें वापसी इसमें लगा देंगे, जैसे कि आप देख रहे होंगे इसको आपको इसमें कस देना है यहाँ पे, बेसिकली इसमें तीन साइड दी गई है, सबसे ऊपर वाली का इतना कोई काम है नहीं, दूसरे वाले को ओपन करके इसके अंदर फ्लेवर डलता है,
सबसे लास्ट वाली में आपको फर्स्ट टाइम ही खोलना है उसको, आपको खाली कॉटन को गीला करने के लिए, दैट्स इट। तो यहाँ पर जैसे मैं आपको बता ही दिया था नीचे से उसका आप टेम्परेचर को कम ज़्यादा कर सकते हैं, अभी देख रहे हैं 54 पे, आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पर एक बार प्रेस करना है